नहीं, देखिए ऐसा है कि बदले की कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठा है। अब अगर वो मेडल लेकर के आए हैं तो उस मेडल में मेरा भी पसीना लगा है, मेरा भी खून लगा है। वो मेडल अपने आप नहीं लेकर के आए हैं, मैंने उन सबको सुविधा दी है, और वो डिटेल में जाने का समय नहीं है। आज के 15 दिन पहले यही खिलाड़ी जो है हमारी इतनी तारीफ करते थे, कहते के थे कि कुश्ती के भगवान है, और 15 दिन के अंदर निगेटिव सेट होता है, षड्यंत्र होता है, और 15 दिन के अंदर भगवान आज खलनायक बनकर के घूम रहा है। और मैं देश से ऊपर नहीं हूं, और कोई मेरे घर का ये पद नहीं है, मैं लोगों के द्वारा चुना गया हूं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। आज तक से इसी बातचीत में कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने यह कहा कि चूंकि उन्होंने हुड्डा को चुनाव में पटखनी दी थी, इसीलिए अब उन पर निशाना साधा जा रहा है और यह बदले की कार्रवाई। ये खिलाड़ी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को मैंने 2012 में चुनाव हराया था, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर भी, और मैंने चुनाव हराया था। और ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, मेरे बहाने कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है, और कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है। आप खुले तौर पे कह रहे कि राजनीतिक साजिश है आपकी। देखिए, ऐसी साजिश मेरे साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी, और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। तो आपने सुना किस तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दीपेंद्र हुड्डा पर संगीन आरोप लगाए हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का क्या कहना है आइए आपको अब दिखाते हैं। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। जांच हो, ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं, कुश्ती संघ के अधिकारियों पे, और कानूनी कार्रवाई इसमें की जाए। ये पूरे देश से संबंधित बात है, तो जांच सीबीआई की इंक्वायरी हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो, समय निर्धारित करके समय तय किया जाए इंक्वायरी का, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए। तो किस तरीके से वार पलटवार किया गया ये तो आपने देख लिया, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की सफाई आपने देखी, और अब आपको यह दिखाते हैं कि पहलवानों ने इसके तहत क्या बयान दिया। कल जंतर मंतर पर पहलवानों से बात करने नामी रेसलर और बीजेपी नेता बबीता फोगाट वहीं मौजूद थी। ये चीजें हालांकि मेरे साथ तो नहीं हुई, लेकिन जब हम कैंप के दौरान रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये आवाजें हमें सुनने को मिलती थी, लेकिन वही चीज है कि अगर कोई सामने आएगा तभी हम भरोसा कर पाएंगे। ये चीजें सामने नहीं आ पाई थी, आज इन लोगों ने सामने रखी है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मैं भी इस चीज को मानती हूँ कि इन लोगों ने इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आकर और इतने बड़े इलिगेशन ऐसे ही नहीं लगाए जाते। बबीता, आपके धुआं वहीं से उठता है जहां से जहां पे आग लगी होती है, तो मैं इस चीज को भी मानती हूं और इसकी निष्पक्ष जांच होगी बिल्कुल, ये भी मैं भरोसा दिलाती हूं। और जो भी हमारे खिलाड़ी जैसा चाहते हैं, देखिए अभी मैं वो तो मैं बात करूंगी, कमेटी तो यही लोग बनाएंगे। सूत्रों के हवाले से पता लगा कि हमारे अध्यक्ष जी विदेश भाजने की फिराक में हैं, तो कृपा जब तक जांच नहीं होती, जो चीजें खिलाड़ियों ने जो उठाया है, बेड़ा जो उठाया है, जब तक जांच नहीं होती तो इस चीज पे भी एक बार गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए।